अगले के घर में घुस के भी अगला मार दिया हमने और वहाँ से भी पूरा गांव हमारे पीछे लग लिया टाइम जेड़ में गया भी मैं दोस्ती के चक्कर में ही गया था मेरे दोस्त को किसी ने कुछ छेद दिया था मैं अगले को छेद गया था हो सको क नहीं मेरी जिसना आत्मा दोखाई है भी ने खुल करके यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में मर्डर हुआ यूनिवर्सिटी वाला मर्डर हुआ था जी उन्होंने जी मेरे दोस्त को मार रखा जिस दोस्त को मार रखा था उसकी लाश भी नहीं मिली मर्डर कितने किया मेरे पे होंगे जी था इसकी कैंकों के पास जो इतने हथियार आते हैं आजकल तो बड़ी बड़ी के संतालियाँ भी आने लगी है, ये कहाँ से आते हैं? मेरे को तो जब जरूरत पड़ी तो जेल में कितने साल गुजारे आपने तेरह चौदह साल लगा गया था शुरू में टोटली सारी मिलाओ तो मैं बीस एक साल जेड़ा हरियाणा की तो सारी जेलों में रहा हूँ दिल्ली जेल में भी रहा हूँ जी तिहाड़ में रहे हाँ जी कभी दुख हुआ है आपको तो कोई चीज आपने की हो जिंदगी में मेरे बोलो कि ये गलत मर्डर हो मर गया यार ये नहीं होना चाहिए मेरी सोच तो सिर्फ दोस्ती ने बाने की थी उसमें चाहे क्राइम से लेके सारी बात आ गई आपको कभी डर लगा है ये जब आप बाहर आते हो क्राइम की दुनिया से तो समझ नहीं थी जब सही तो ना लग गया जी क्या तभी तो डर जिस दिन थोड़ी समझ आई उस दिन से इस चीज से तो डर लगता है अब भाई अपने से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे है ना परमात्मा अपने से नाराज हो सिद्धू तो मूसेवाला का कत्ल हुआ उसको आप कैसे देखते हैं सिद्धू तो मूसेवाला का जगड़ा कर रहे थे आप उसमें भी उसके बाबत भी जी मेरे पास दिल्ली पुलिस वाले कहीं से कोई भी मेरा किसी से कोई लेना देना था नहीं आपने कहा कि सब लोग आते हैं आपके पास मदद के लिए और आपने सबकी मदद की है हाँ जी पॉलिटिकल लोग भी आते सब आते हैं पॉलिटिकल लीडर भी आते थे हाँ आते थे जी सब पार्टियों हाँ जी इलेक्शन में मदद की जरूरत पड़ती है कहीं टॉर्चर हुआ है आपके ऊपर वो तो मोछली फेरना होया अगर है अगर भाई मूसली फेरन लग गेर तो मैं जब तक बेहूँश नहीं होया हूँ ना तो वह मूसली फेरी है मेरे पे अगर रस्ते पे लटकाना होता है उसमें भी इतना ही हुआ है अब मैं जब तक बेहूश नहीं हो लिया हूँ ना इतने मेरे को लटकाया है बाद में साइड में डाल दिया बी टांग फाड़ने के काम होते हैं तरह तरह के घनिय बात होती है हर चीज़ नहीं है बेहूँश होने तक सहन करके देख है जो क्राइम की दुनिया में आप गए उसकी शुरुआत कहाँ से मेरे दोस्त के साथ किसी ने कुछ दिक्कत परेशानी कर दी थी जी उसी की वजह से जी वो मेरी आत्मा बहुत सानी लगा उसके बदले में करा जी जो कुछ भी कर रजीश से रजीश सरकारी आप कैसे थे मेरे पिताजी ने बेदखल करवा दिया था जी वो थे मेरे को डराने के लिए करो दिखाया हो एक बे कुछ समझ जाए इसे वो मेरे को कागज़ सुरक्षा मिल गया जी कहीं वो मैंने अपनी जेब में डाल दिया रिपू भाई ने जी वो कागज़ निकाल के देख लिया वो वो कागज़ पट गया जी उसके मुंह से वैसे ही निकल गया भाई तू तो पूरा सरकारी हो गया हरियाणा और पंजाब में आजकल गैंगस्टरों की बड़े पैमाने पर चर्चा होती है हरियाणा और पंजाब के बहुत सारे गैंगस्टर राजनीति में भी आए बहुत सारे मेन स्ट्रीम में आए और उनके अनुभव क्या रहे आजकल वो क्या कहना चाहते हैं हम रोहतक में हैं यहाँ का बड़ा नाम रहा है रजेश सरकारी जिनको सारा हरियाणा जानता है जो बड़ा नाम रहे हैं बहुत बड़े मुकदमे उन पर चले आजकल वो राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ हैं स्वागत करते हैं उनका स्वागत है बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी जय माता की जय बाबा की राम राम तो सरकारी साहब सब सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि आप कैसी फैमिली से बैकग्राउंड क्या है आपका आपका परिवार कैसा था और आप किस माहौल में पले बड़े जी मेरा बैकग्राउंड जी किसान फैमिली से है जी मेरे दादा पड़दादा माता पिता सब किसान थे जी मेरे पिताजी जी जी पीजीआई में सर्विस करते थे जी वहीं से मेरे को संस्कार मिले हैं जी और गुरुओं से भी मेरे को आशीर्वाद रहा है मेरे दोस्तों से भी मेरे को आशीर्वाद रहा है तो पढ़ाई आपने कहाँ तक की जी पढ़ाई मैंने तो जी दसवीं तक करी थी फिर जी अंदर जागा भी पढ़ाया था अंदर जागा जी मैंने करी थी बी जेल में की आपने। हाँ। कितने साल जेल रहे आप? मैं जी जेल में रहा हूं जी। मैं तेरह चौदह साल लगा गया था शुरू में और तकरीबन तकरीबन टोटली सारी मिलाओ तो मैं बीस एक साल जेल में रहा ऐसा क्या हुआ था कि आप जो फर्स्ट मर्डर था वो क्या था मतलब कैसे गए आप जेल मतलब शुरुआत कहाँ से हुई जो क्राइम की दुनिया में आप गए उसकी शुरुआत कहाँ से होती है शुरुआत जी मैं बच्चा था जी उस टाइम पर आया स्कूल में पढ़ते थे जी स्कूल में जो मेरे दोस्त थे जी मेरा आज तक जी जिंदगी में मेरा खुद का झगड़ा नहीं है किसी के साथ भी कोई भी बात नहीं है तो जी मेरे दोस्त के साथ किसी ने कुछ दिक्कत परेशानी कर दी थी जी उसी की वजह से जी वो मेरी आत्मा को अच्छा नहीं लगा जी और जी आत्मा दुखी मेरी तो जी मैंने उसके जी। बदले उस फर्स्ट टाइम जेल, थे? हाँ जी, उस मैं फर्स जेल था तो क्या मतलब ये माना जाए कि जब जेल में कोई जाता है आप तो बहुत छोटी उम्र में जेल गए तेरह साल की उम्र में आप जेल चले गए यानी आप क्या ये जो सिस्टम है ये जो पूरा दुनिया है ये बंदे को फिर बाहर नहीं निकलने देती फिर आप दसते गए इसमें जी मैं रोहतक में आया तो मेरा सबसे पहला दोस्त बनाया था जी दीपू और ये कुछ संस्कार होते होंगे कुछ पता नहीं है तो क्या सिस्टम है इस पर करती का वो ऐसा इंसान था अब वो हर इंसान को काम आता था ये नहीं अच्छा है मैं उसके पास कोई ये लेके आ गया भाई मेरा किसी के साथ झगड़ा हो रहा है मैं किसी ने पीट दिया वो उसके साथ भी जाता था और मैं जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम जेल में गया भाई मैं दोस्ती के चक्कर में ही गया था मेरे दोस्त को किसी ने कुछ सेध दिया था मैं अगले को सेध गया था और अंदर जाने के बाद जी वो दोस्त का मेरे का दीपू का एक्सीडेंट हो गया था वो एक्सीडेंट होने के बाद भाई सब उससे था भाई जैसा लगाओ मेरे का मेरा सगे भाई से भी ज़्यादा बढ़ गए उसकी जो चल चलन थे वो प्रकृति ने मेरे भीतर तार दिए जी वो हर किसी आदमी के काम आने की सोच रखने वाला बंदा था उसके बाद जी मैंने यही सोच लिया फिर अब भाई दीपू नहीं रहा ना तो अब तू तो उसकी जगह उसका काम नहीं है तेरे पास कोई भी आ जाए चाहे कुछ भी काम ले गए तेरे को मना नहीं करना तेरा जीवन नहीं है इसी चीज के लिए बना है है बस और उसके बाद जी मैं भाई यही जीवन जिया जी जी, मैंने तो फिर आप आए जेल से बाहर आए उसके बाद क्या हुआ जेल से बाहर आए जी ये जी लाइन ऐसी है अकंदर जाने के बाद दोस्त भी जी वहीं बने बच्चा था जी और दोस्त बने हर किसी की किसी के साथ कुछ दुश्मनाई भी होती है भाई बाहर आता गया और कोई ना कोई दोस्त ऐसा टकराता गया जब भाई उसकी किसी के साथ दिक्कत परेशानी चल रही है मैं उनको भाई खड़ा पाने के चक्कर में हर किसी के साथ होता चलिया गया सबका साथ देता चलिया गया जी भी उसमें मेरे से सही या गलत या चीज़ मैंने नहीं देखी जी मन ने अपनी आत्मा से किसी का बुरा करने की नहीं सोची ठीक है मेरी किसान आत्मा दुखाई है और तो जी मैं सबने जिसने ही मेरी आत्मा दुखाई है और वो जी लको छपो के नहीं मेरी जिसने आत्मा दुखाई है जी मैं उसने खुल के सीधा हूँ जी दूसरी बार किसने आत्मा सिधाई आप जी दूसरी बार भी वैसे ही दोस्त मैटर था कुछ कोई दोस्त मार दिया था जी किसी ने वो ताक़तवर थे भाई मैं बच्चा था और मेरे दोस्त भी डरे हुए थे भाई ये सारी चीज़ें देख के मेरा भगवान ने ऐसा नेचर नहीं बना रखा अब भाई मैं ताकतवर को देख के या किसी भी इस डाढ़ी बात को देख के भाई पीछे हट जाऊँ अब भाई मैं कुछ नहीं हूँ जी भगवान ने है ना सोच ऐसी बनाई है अब कहना अपने से कमज़ोर से तो छेदने की नहीं सोची आज तक भगवान से ही हाथ जोड़े हैं अक माता रानी ऐसा समय तो लिया वो कोने एक अपने तो कमजोर की किता आत्मा दुखानी पड़ जाओ या किसी गरीब की आत्मा दुखानी पड़ गया और जी कोई ठाडा किसा गल गलत कर रहा है अरे तो जी वहाँ नहीं है वहाँ अपने संस्कार ऐसे ही है कि वहाँ बोलना चाहिए इंसान को तो हम बोलते हैं जी यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट में मर्डर हुआ है वो तो जी की बात है उससे पहले क्या हुआ था उससे पहले जी ऐसे कई केस हुए थे जी क्या केस थे मतलब मैं आपसे पूछना चाहता जी मेरे ऊपर हैं मर्डर के केस हैं जी हम्म, और तो क्या लड़ाई थी वो लड़ाई क्या थी मेरे दोस्तों को से रहे थे जी हम्म, वे स्कूल में एक पार्टी बाजी हो जाती है कॉलेज में पार्टी हो जाती है बस यही इसी में जी वो चलता चला गया कहानी बढ़ती चली गई उसमें जी आराम आराम से फिर दायरा बढ़ता चलिया जा इंसान सोच समझ गए तो कुछ करता नहीं भाई और दोस्त जुड़ते चले गए उनकी किसी के साधुन आई थी उसमें इन्वोलमेंट होती चली गई ही ही। मैंने तो अपनी तरफ से जी जहाँ भी मेरे को मौका दिया अपनी तरफ से मैं प्पा ने सो का सो दिया है बाकी ऊपर ले की मर्जी रही है जो भी ये हो रहा है उसी की मर्जी से हो रहा है ही ही। तो ये जो मर्डर हुआ था यूनिवर्सिटी वाला इसकी चर्चा भी पूरे हरियाणा में हुई थी यूनिवर्सिटी वाला मर्डर हुआ था जी उन्होंने जी मेरे दोस्त को मार रखा था और जिस दोस्त को मार रखा था उसकी लाश भी नहीं मिली उसकी कहीं एफ आई आर भी नहीं हुई हमने कोशिश भी बहुत करी भाई पता करने की भी कोशिश करी और ये जो यूनिवर्सिटी वाला मर्डर होया था ये बंदा भाई अपनी दोस्तों से कहीं कहीं बैठ के शराब वगैरह पीते थे तो वहाँ ये कहते आँडते थे अब भाई वो तो हमने मार दिया उसके तो चश्मे भी हमारे पास पड़े हैं उसकी ये चीज़ हमारे पास पड़ी है उल्टी सीधी बातें करते थे वो वो हमारे कानों में आ गई जी बस जी और तो फिर कुछ ही नहीं भाई उसके बाद हरियाणा में कहा जाता है कि स्टूडेंट इलेक्शन बंद हो गए जब ये मर्डर हुआ उसके बाद कभी स्टूडेंट इलेक्शन नहीं हुए जी मन ने इन चीज़ा की तरफ ध्यान ना दिया के बंद हो यार के चालू होया मैं तो अपना जो मेरा काम होया ना वो कराया मैंने तो तो इसके बाद भी आप जेल में गए हाँ जी कितने साल रहे जेल में उसके बाद अब जी मैं जेल से ढाई साल पहले निकलिया था तो मैं तकरीबन बारह साल में निकला था बारह साल बाद निकले हाँ जी बारह साल टोटल जेल में कितने साल गुजारे आपने टोटल जी अठारह बीस साल अलग अलग करके बारह साल अब जैसे आपकी उम्र कितनी है टोटल मेरी जी सैंतीस साल उम्र है सैंतीस साल से अब बीस साल जेल में रहे हाँ जी बीस नहीं थोड़ा अठारह साल मान लीजिए आधी उम्र जेल में रहे हाँ जी तो भी आप सोचते हैं जो आपसे हुआ कोई रेगरेट है आपको कि जी सोचते हैं ये सोचते हैं जी अगर जो कुछ भी नहीं हुआ वो सिर्फ दोस्ती के चक्कर में हुआ उससे अलग तो ना तो मेरे परिवार की मेरे रिश्तेदारियों की कहीं किसी से कोई वो नहीं थी दोस्ती के चक्कर में हुआ जो कुछ भी हुआ लेकिन एक उम्र की समझ भी होती है वो बहुत ज्यादा आगे निकलने के बाद बहुत ज्यादा टाइम बीतने के बाद मेरे को ये समझ में आई मैं ये दोस्ती निभाते निभाते भाई इस लाइन में रहते रहते भी मैंने कोशिश करी है मैं अपनी दोस्ती हर तरह प्रकार की अच्छे से निभाता आया हूँ आज तक हर जिम्मेवार को मेरे दोस्त आज जो इस धरती पे नहीं हैं कई दोस्त हैं ऐसे अब जो भी इस लड़ाई में शिकार भी हुए हैं जो नहीं रहे भाई उनके परिवार से भाइयों से बहनों से माता पिता से मेरा ऐसा ही व्यवहार है अब वो मेरे को नहीं है अपना बच्चा मानते हैं वो उनसे भी ज्यादा बच्चा मानते हैं मेरे को अब हमारे जो सगे थे ना पेट से जन्म दिए हुए उनसे अच्छा है ये ही ही। मेरे को ये मानते हैं जी वो मेरी हैं जी वो वो भी मेरे को यही मानती हैं को सका है सगा भाई इतना अच्छा नहीं मिलता ये जैसा भी नहीं है उनसे सौ गुणा अच्छा है ये टोटल मर्डर कितने किए आपने मैंने जी काफी केस हैं जी कितने टोटल केस कितनी आपके ऊपर मेरे पे होंगे जी अठाईसों केस। तो में आपको जमानत मिली या बरी हो तो नहीं जी मैं तकरीबन सारे केसों में बरी हो गया जी कुछ तो नीचे से ही बरी हो गया कुछ हाई कोर्ट से बरी हो गया कुछ सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया इसमें जी ऐसा भी नहीं होता अगले भाई इंसान जो सब कुछ करता है वही भुगतना पड़ता है भी प्रशासन भी अपनी भूमिका निभाता है भाई इंसान दो गलतियाँ करता है तो उसके साथ है। भाई दो वैसे भी लगा देते हैं केस अब ये दलदल -दल है कि इसमें भाई घुसना आसान है निकलना इतना आसान नहीं है निकलना मुश्किल है तो हर प्रकार की बातें हुई हैं जी कहा जाता है ना कि गैंगस्टर माँ के पेट से पैदा नहीं होता हाँ जी तो कौन बनाता है गैंगस्टर सिस्टम बना देता है जी गैंगस्टर गैंगस्टर जी इंसान के हालात भी बना देवे हैं जी कुछ सिचुएशन बना देवे हैं कुछ फिर समाज में जो बातें चलती हैं वो भी सरकार भी प्रशासन भी सबकी कुछ ना कुछ भूमिका होती है जी वो हो सकता है सबके साथ नहीं होती हो मेरे को जैसी नॉलेज है मेरी नॉलेज में तो होती है जी पोलिटिकल लोग यूज करते हैं क्या जी नए लड़के जितने होते हैं जो गैंगस्टर बनते हैं पोलिटिकल लोग उनको यूज करते हैं पार्टियाँ है, पोलिटिकल पार्टियाँ आपके साथ हुआ ऐसा जब आप जवान थे जी सुनी है करते भी होंगे बाकी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है अब भाई मैं किसी ने यूज कराया हूँ मैंने तो जी जो कुछ भी करा नहीं है वो अपनी आत्मा से है ना अपने तन मन धन से कराया है जो कुछ कराया है मैंने बहुत सारे गैंगस्टरों के इंटरव्यू किए हैं वो कहते हैं कि हमने तो बूथ कैप्चरिंग की है हमने तो चुनाव जिताए हैं हरवाए हैं हमने तो ऐसे काम भी किए हैं जी इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है ना हमने कभी बूथ कैप्चरिंग करी है ना करवाई है इस बारे में नॉलेज नहीं जी बुक कैप्चरिंग फिल्में देखी हैं फिल्मों में होते देखे हैं जी तो ये गैंगस्टरों के पास जो इतने हथियार आते हैं आजकल तो बड़ी बड़ी एके सैंतालियाँ भी आने लगी हैं ये कहाँ से आते हैं जी वो कहते हैं ना आवश्यकता और शिकार की जननी है तो इंसान को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना और तो वो चीज़ भी अपने आप उसकी तरफ चलने लग जाती है सो रखते हैं जी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाते हैं कहाँ से आते हैं मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे बता सकते हैं सब का तो क्या पता जी कहाँ से आते हैं बाकी जी मेरे को तो जब जरूरत पड़ी परमात्मा ने कुछ सही समझा होगा तो मेरे को मिल गया जी वो जेल में आप कैसे लोगों के साथ रहे जेल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जेल में जी एक्सपीरियंस जेल में मेरा एक्सपीरियंस है रहा जी तकरीबन सौ आदमी है जेल में तो उसमें से दोषी तो तीस चालीस परसेंट ही मिलेंगे नहीं तो साठ सत्तर परसेंट निर्दोष लोग होते हैं वो वहाँ अपना बस टाइम काटते हैं भाई किसी का घर का गुजारा ठीक है वो अपने ख़र्चे से काट लेते हैं नहीं तो जी वो आप जैसे या किसी के भाई जिसका ठीक है अपने दो रुपये से जुगाड़ उनके सारे पर टाइम काट ले हुए हैं जी बाकी वहाँ रहने के बाद पता लगता है जी इस चीज़ का अब बाहर का जो समाज है वो जेल वालों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखता है लेकिन इसी समाज से वो जा रहे हैं जी कोई गलत नहीं है गलत तो समय सिचुएशन हालात इंसान को बना देते हैं नहीं तो कोई गलत नहीं है जी <coughs> सब की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है कुछ सबकी अलग बात होती होगी जी बाकी जी कौन कौन सी जेलों में रहें आप मैं जी तकरीबन हरियाणा की तो सारी जेलों में रहा हूँ दिल्ली जेल में भी रहा हूँ जी तिहाड़ में रहे हैं हाँ जी तिहाड़ में जैसे बहुत सारे लोग हैं हवारा हैं बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पर तो सिख खाड़कू जो हैं उनसे भी मुलाकात होती रही नहीं जी मेरी उस टाइम पे हवारा और नहीं थे जी वहाँ पे जिस टाइम पे मैं था मैं काफी समय पहले रहा था जी किन बड़े मतलब बड़े नाम जो हैं चाहे वो क्रिमिनल दुनिया के हैं चाहे वो पोलिटिकल दुनिया से हैं, हैं, मूवमेंट की दुनिया से हैं, किन बड़े नामों के साथ ना और जिस जेल में मैं आप नाम ले सकते हैं कौन कौन थे आपके साथ जी नाम तो क्या लेंगे जी परमात्मा ने जिससे मिलना लिख रखा होगा जी वो रहे है बस हम्म कभी दुख हुआ है आपको कोई चीज़ आपने की हो जिंदगी में मेरे आपको लगाओ कि ये गलत मर्डर हो गया यार ये नहीं होना चाहिए था ऐसे लगा कभी जी दुख का तो पता नहीं बाकी इतना जरूर हुआ है अगर जिस दिन मेरे को थोड़ी समझने की समझ आई ना मैं सब कुछ कर रहा हूँ दोस्ती में उस दिन मैंने ये जरूर सोचा थोड़ा बारीकी से सोचा अगर यार तू अपनी दोस्ती इस तरह से निभाने लग रहा है अगर तू ठीक रह गया अपनी दोस्ती निभाता तो इससे सो गुणा और भी अच्छी निभा सकता था तू अब तो तू बदले लेने में लग रहा है जैसे भी ये एक तरफा दोस्ती निभा उस निभाने से भाई तू अच्छा करने जा रहा है करने की सोच रहा है उनको भी कुछ ना कुछ परेशानी मिल रही है अगर मैं उस चीज को बचपन में समझता तो हो सकता है भाई साहब मैं इस लाइन में नहीं घुसता मैं हो सकता है भाई ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤਾ ਉਸਮੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇਹ ਲਗਾ ਕਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਕੇ ਸਾਥ 13 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 13 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੇ ਵੋ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਆਪ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਲਡ ਮੇ ਨਾ ਹੋਤੇ ਆਪ ਇਸ ਲਾਈਨ ਮੇ ਨਾ ਆਤੇ ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਲਗਾ ਹੈ ਕਬੀ ਯਾ ਈਸ਼ਾ ਤੋ ਜੀ ਬਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਜਦ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਨਾ ਆਗਾ ਬਈ ਤੂੰ दूसरी लाइन पे और भी अच्छा कर सकता था अपनी दोस्तों के लिए या सब के लिए बस तब ये लग गया है कि भाई इस चीज़ से तू बनी है बातों से गया है नहीं तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता था तू और जी मैंने खाम खा किसी के साथ गलत नहीं करया मेरे दोस्तों की या मेरी किसी ने आत्मा दुखाई है ना तो ही मैंने किसी के साथ गलत कराया है मेरी आत्मा ने जब अंदर से मेरे को ये बोल है ना कि ये तू नहीं करेगा ना तो तू गलत है तेरे को आखिरी सांस में भी नहीं है ये बात फील होगी तेरे को यह काम तेरे को करना चाहिए था जब तू ठीक होता वो चाहे बेचक दुनिया की नजर में गलत हो बस जी आपको जैसे आज का दौर है है ना एक आपका दौर था एक आज का दौर है आज आप गैंगस्टर देखते हैं फेसबुक पर हैं सोशल मीडिया पर हैं धमकियां जाती हैं कोई कहता है जी ये लॉरेंस ग्रुप है कोई कहता है जी ये फलाना ग्रुप है कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को जी पहले ये सोशल मीडिया वगैरह ये चीज़ें नहीं थी भी छोटे फोन चलते थे उनसे बातें तो सारी होती थी लेकिन जी सब की अपनी अपनी सोच होती है भाई मेरी सोच तो सिर्फ दोस्ती ने बाने की थी उसमें चाहे क्राइम से लेके सारी बात आ गई बी उसमें मैंने और ना तो मेरे को पैसों की जरूरत थी भगवान की दया से मेरे घर में इज्जत की दो रोटी थी मेरे माँ बाप ही मेरे को बे आराम से बिठा बिठा के भी पूरी जिंदगी दो रोटी इज्जत की, की खवा सकते थे जी और जी किसी चीज़ की कमी नहीं थी मेरे को और जी मैंने और किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं करे आज तक मैं तो जी अपने घर से है ना घर फूक है और दोस्ती निभाई है और माता रानी ने वो निभवाई है मेरी आज तक कोई ठीक मानना चाहिए गलत मानना मेरी आत्मा गलत ना मानती जी मैंने जैसे आज के दौर में इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिरौतियाँ मांगी जाती हैं आज के दौर में है ना गैंगस्टर मांगते हैं फिरौतियाँ और गैंगस्टर और बहुत कुछ कोई कहता है जी हाईवे रॉबर हैं गाड़ियाँ छीन ली ये कैसे देखते हैं आप ये ये जो चीज़ें होने लगी देखो जी सब की अपनी सोच है सब अपने हिसाब से करते हैं भी किसी को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी उसके पास नहीं होता होगा वो सो रस्ते ढूंढता होगा लेकिन भाई साहब मैं इन बातों में नहीं बढ़ा मैंने तो भाई साहब ठीक है कोई आदमी नहीं है मेरे को चाहे वो पैसे वाला है चाहे वो गरीब है मैंने किसी से किसी प्रकार का लालच नहीं माना मेरे को जो ज़रूरत थी ना मेरे तो माता रानी ने वैसे ही पूरी करवाई है वो जरूरत ठीक है मैंने ना किसी से फिरौती मांगी ना मैंने पैसे के लिए या बेवजह नहीं है मैंने किसी गरीब का या अमीर का या छोटे बड़े का मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया किसी चीज़ के चक्कर में अब तो बेकसूर लोगों के कत्ल भी हो जाते हैं जो बेकसूर लोग हैं उनके भी कत्ल होते हैं क्योंकि तो वो किसी ने फिरौती नहीं दी उनका कत्ल कर दिया हाँ जी जी देखो जी सब कोई कुछ करे है कोई कुछ करे है इतना जरूर देखा है जो जो कुछ करता है ना ये दुनियादारी है ना यही घूम फिर के सब कुछ आगे आता है इंसान के और उस वो सोचता भी है उसको ये भी पता लगता है कहाँ भाई तो ना जिंदगी में ये गलत कर रखा है और इस वजह से नहीं तेरे आगे ये बात आ रही है वो चाहे कोई कुछ भी कर ले जी सबके साथ होता होगा काफी आदमियों से मेरी इस तरह की बातें हुई हैं तो भी मैंने सुनने भी सब में भी सबसे यही मिला है कहा आत्मा इंसान को कुछ भी करने से पहले संकेत देती है भाई ये ठीक है या गलत है उसको सुनने वाला हो तो वो सुन सकता है हर हर चीज़ बता देती है है वो ये सही है या गलत है सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ उसको आप कैसे देखते हैं जैसे सिद्धू मूसेवाला को इतना मतलब जी आई... सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होया सिंगर था जी वो ठीक है सिंगर सब इनको तो किसी से कुछ भी मतलब नहीं है अपनी इनकी कला होती है जी गाय की भी भाई कभी कोई छोटी बात नहीं होती है भगवान की देन होती है किसी किसी आदमी को अब जी उसके बारे में जैसा भी न्यूज़ न जो मैं मेरे को सुनने को मिला ज़्यादा तो जी मैं न्यूज़ भी नहीं देखता मैं फोन भी नहीं देखता लेकिन मेरे नॉलेज में जैसी बात आई मेरे को सुनने में यही आया था भाई वो जिसने भी उसके साथ गलत किया है वो अपना जो उसका प्रोफेशन था सिंगिंग उससे हटके उनकी किसी खिलाफ़ पार्टी की मदद कर रहा था या उनके जिस जो उसको से हैं, उनका कहीं उसने बुरा कर रखा था या करवा रखा था इस वजह से उन्होंने उसका बुरा कर दिया इससे ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है जी और ना जी मेरे पास इतना वो टाइम जी भाई इन चीज़ों की नॉलेज मैं करूँ तो इतना ही पता है जी आप बहुत रिलीजियस हैं बहुत धार्मिक हैं आप हाँ जी धार्मिक किसे मानते हैं आप आपके कोई धर्म गुरु हैं जो मैं जी वैसे तो माता रानी को मानता हूँ लेकिन वे फिर तो मैं सभी को मानता हूँ मैं तो यही मानता हूँ कि संसार में धरती पे जो कुछ भी नहीं सब कुछ उसी का रूप है परमात्मा का रूप है अगर कोई देखने वाला हो ना फिर उसको किसी चीज़ में फर्क नहीं लगता लेकिन ये समझ नहीं है बहुत बड़ी बातें हैं इंसान जो और टाइम नहीं है इस बात को याद रखने की सोचता हो वो भी भूल जाता है जी ये माया का खेल है ये पता नहीं किसको क्या बात किस टाइम याद दिलवा दे क्या बुलवा देव है बाकी जी अभी आप राजनीति में आ रहे हैं तो क्या फर्क है राजनीति और क्राइम की दुनिया में क्या फर्क है जी बहुत फ़र्क है राजनीति में और क्राइम की दुनिया में दो क्राइम की दुनिया में तो जी इंसान क्राइम ही कर सकता है और तो क्राइम ने नानवे परसेंट और अच्छी बातें भी एक परसेंट कर सकता होगा भाई राजनीति में तो है ना सौ परसेंट अच्छा कर सकता है इंसान पर कहा यह जाता है कि अपराधी ने बड़ा अपराधी बनना हो तो राजनीति में आ जाओ जी कहने की बातें हैं मेरे को नहीं लगता जी राजनीति में जो भी आदमी है हर आदमी ऐसे होंगे जी वैसे तो देखो हर लाइन में नहीं है हर प्रकार के इंसान मिलेंगे भाई क्राइम की लाइन में भी अच्छे इंसान भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे राजनीति में भी अच्छे बुरे मिलेंगे सिंगिंग में भी जी हर जगह पे कहीं देख लो जी अच्छा बुरा तो हर जगह साथ है जी आपको कभी डर लगा है ये जब आप बाहर आते हो क्राइम की दुनिया से अभी आप तो हो डर और कह ना लग गया जी जिस दिन समझ नहीं आई उस दिन नहीं है जिस जब तक तो समझ नहीं थी जब तक तो, तो ना लग गया जी क्या है तभी डर पर जिस दिन थोड़ी समझ आई उस दिन से इस चीज से तो डर लगता है भाई अपने से कुछ ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए गलत जिससे है ना परमात्मा अपने से नाराज हो तो उस चीज से डर लगता है जी बाकी तो जी डरने की जरूरत नहीं है मेरे को इतनी दुश्मनियां हो गई आपकी मैं ये कह रहा हूँ महसूस करते हैं जी तो है ना सांस है परमात्मा ने जितनी लिखी है उतनी सब की होंगी जी दुश्मन आई मैंने तो जी बता दी मैंने अपने लिए कुछ नहीं कर रखा भाई मैंने दोस्तों के लिए दोस्ती में कर रखा जो कुछ भी कर रखा है मेरे साँस जिस टाइम पे पूरे होने लिख रखे होंगे जो कारण लिख रखा होगा ना जी वो उसको कौन रोक सकता है उसको तो जी अपने कर्म बदल सकते हैं कर्म अपने सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं जी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जिंदगी में जब आप क्राइम की दुनिया में थे कि आपको लगा हुआ आज तो परमात्मा ने बचा लिया कोई किस्सा है ऐसा बहुत है जी हर जगह परमात्मा ने बताया बताया हैं जी सुनाएंगे किस्सा जब से आप निकले हों कोई गोलीबारी हो रही हो या आप कोई आप गए हो बच के निकले हों कोई किस्सा आपकी जिंदगी उसे बारे की बारे है। मर्जी है जी आज तीन बच रहे हैं जो कोई किस्सा सुनाएंगे जैसे कई जगह हैं जी ये कैसे भाई कहीं जा रहे हैं किसी को मारने ही जा रहे हैं भाई वो गाँव के बीच में घुस रहे हैं हम भाई गाँव में भी पहली बार ही गए हैं ना गलियों का पता है ना किसी चीज़ का पता है अगले के घर में घुस के भैया अगला मार दिया हमने और वहाँ से भाई पूरा गांव हमारे पीछे लग लिया वहाँ शादी थी वो पीछे लग लिए और भाई वहाँ से निकले भी हैं भाई उस टाइम पे तो समझ में नहीं आया हम मान ले दो जने थे या तीन जने थे वहाँ से अलग अलग भी हो गए भाई ये भी नहीं पता लग गया भाई कोई ऐसा बच रहा है कि नहीं बच रहा वो एक दो दिन के बाद बात हुई जब पता लग गया है ये भी समझ में नहीं आई कैसे बच गए ये भी दो तीन दिन के बाद ही समझ में आई है बच गए भाई ठीक ठाक तो क्राइम की घटनाएं जो आपकी जिंदगी में थी वो हरियाणा में भी हुई यूपी अलग अलग जगह हुई या जी जहा भी नहीं है जहा भी करवा दीजिए वहीं होगी हम्म तो आप उसके बाद जब निकले हैं तो निकलने देते हैं लोग आपको आपसे इन भी बहुत सारे लोग जी देखो जी क्राइम के मैटर में मैंने तो बस यही कोशिश करी है मैंने दूसरा बंदा कोई उड़ जाने की कोशिश नहीं करी भी मेरे से कोई आत्मा से दिल से मेरे साथ हो गया वो मेरे साथ हो गया नहीं तो मैंने वैसे किसी का यूज करवा करने की कोशिश नहीं करी मैं तो जी ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਦੇ ਨਾ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾਣ ਖਾਤਰ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਦਾ ਮਨੇ ਤੋਂ ਔਰ ਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਉਲਟਾ ਟਣਾ ਕਰ ਲੈਗੇ ਜਿਸ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਕਭੀ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਕਿ ਕਹਾ ਚਲੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੋਂ ਹੈ ਅਗੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਦਲਦਲ ਹੈ ਕਿਸਮੇ भाई जाना तो आसान होता है निकलना बहुत मुश्किल होता है भाई अब काफी दिनों से काफी सालों से भाई अब मैं ठीक रह रहा हूं भाई दशक हो गए जब मान लो बारह साल से तो मैं जेल में ही था भाई बार भी ढाई साल हो गए मेरे को मैंने अपनी तरफ से कोई गलत नहीं कराया है अभी अब लेकिन जने में नहीं आ रही बात क्यों नहीं भाई एक छवि बदनाम हो रही है मेरी भाई हो सकता है प्रशासन को भी ये लगता हो अब भाई नहीं सुधरिया है ये भाई इस चीज में किसी को गलत भी नहीं ठहरा सकते भाई बदनाम होने में इतना टाइम लग गया है तो सही जचने में भी टाइम लगेगा तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन तंग करता है क्या मतलब आपको क्यों लगता है कि लाइन पर नहीं आ सकता है।, है जी अच्छा कुछ भी होता है वो आपके पास मैं ये लगा लो बारह साल से जेल में रहा हूँ बारह साल से जी मेरे अंदर रहते रहते भी मेरे बहुत केस लगे हैं और वो मेरे बरी भी हुए हैं कोर्ट से जी न्यायपालिका न्याय करती है जी और जी मैं छुट्टी आया हूँ छुट्टी आकर बाहर चले आ गया भी मेरे को फिर भी केस लगे हैं वो शर्फ इस वजह से जो मेरी दोस्ती का सर्कल था भाई मैं तो सुधर गया सब तो जरूरी नहीं भाई मेरे साथ है भाई किसी की पता नहीं क्या दुश्मनाई चल रही हो भाई अगला बंदा किसी को मारने की सोच रहे हो तो भाई बचने वाला भी अपना बचाव करने की सोचेगा उसमें जी मेरे को काफी उजड़ जनों से गुजरना पड़ा है, मेरे परिवार को भी भाई अब भी यही चल रहा है कब भी मेरे को भाई मैं छुट्टी निकलिया था जब भी दो तीन किस्सों में मेरा नाम दो मडरों में लिखवा दिया और उसको भी भुगत रहा हूं मैं चार पाँच साल उसकी वजह से भी मेरी छुट्टी निकली भाई नौ साल में उसके बाद मेरे को फिर परमानेंट चार पाँच साल जेल काटनी पड़ी छुट्टी भी बंद होगी मेरी हालांकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं था ये प्रशासन को भी पता था प्रशासन भाई इंस्पेक्टर लेवल लगे भी हर प्रकार के आदमी मेरे को ये बोल रहे थे मैं छुट्टी आगे मैं गए पेश होया भाई मेरे को सभी ये बोल भी रहे थे अग भाई राजेश तेरा पता है अग भाई तेरा कोई रोल नहीं है और लेकिन हमारी चल नहीं रही भाई हमारे ऊपर ऊपर से दबाव है उस ऊपर का नहीं पता लगा भी भी मेरे को मिलवा दो ऊपर अग नहीं मिलवा सकते भाई कौन, कौन है ऊपर कौन है पता नहीं वो ऊपर तो मेरी नजर में तो फिर परमात्मा है जी ऊपर तो खट्टर साहब है नहीं जी खट्टर साहब तो अब है जी उससे पहले भी जी हम्म ठीक है अब मैं बाहर निकलिया था जी बाहर निकलने के बाद भी मेरा जी एक कस्टडी मडर हुए थे सोनीपत में और बाहर उनमें नाम लिखवा दिया था जी मेरा और उसका भी सबको पता था अगर भाई मैं ठीक रह रहा हूँ मेरा कोई रोल नहीं है मैं अपने परिवार के साथ था मेरे परिवार को मेरे ऊपर विश्वास है कहाँ भाई ये ठीक है नहीं तो मेरा परिवार भी ऐसा नहीं है जी अब भाई मैं गलत हूँ वो मेरा साथ दे दे वो मैंने सही कह दे वह मेरे में थोड़ी छोटी ही भी गलती दिखे जी और तो मेरा परिवार भी ऐसा है वो ही मेरे को गलत कहेगा अब तू तो गलत है भाई तेरे को हम नहीं साथ दे सकते यार हमसे दूरी रह तू मेरा परिवार भी ऐसा है जी और वो जी फिर केस लगने के बाद भी साल भर मेरे को फिर छुपता घूमना पड़ा भी फिर भी अफसरों से मिल के जहाँ भी मैंने कोशिश करके भी कुछ बंदे ऐसे मिले अब जिन्होंने भाई मेरी जो सच्चाई थी वो देख के और भाई मेरा जो भी तप्तीश करी सारी चीज उसमें जी फिर मेरे को निकाल लिया उस चीज में तो अभी आपको लगातार आप मतलब अब जी मेरे, मेरे को आता रहता है, कुछ भी होता है कुछ भी होता है जी ऐसी दुमुसे वाला का जकरा कर रहे थे अब उसमें भी उसके बाबत भी जी मेरे पास दिल्ली पुलिस वाले कहीं से कोई भी मेरा किसी से कोई लेना देना था नहीं भाई कहीं कुछ हो जाए जी तो दिल्ली पुलिस ने क्या पूछताछ पूछ की आपसे या या आपके पास आए कॉल की नहीं ऐसे ही पूछने के लिए आ जाते हैं कहा भाई बता तेरे को कोई नॉलेज हो तो ये बंदे तेरे टच के हैं ये तेरे टच के हैं भाई उनको फिर जवाब देता जी कुछ भी भाई उनको तो उसी चीज से संतुष्टि मिलेगी जो वो सुनना चाहते है मेरे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है तो उनको तो संतुष्टि नहीं मिलेगी जी बाकी ठीक है जी विश्वास तो करना पड़ता है मान लें मेरे से संतुष्टि मिले या ना मिले भी केस में जितने बंदे थे वो पकड़े भी गए होंगे उन्होंने सच्चाई बताई होगी भाई तब विश्वास हुआ है उनको अगहाँ भी उसको तुम बे फिजूल में तंग कर रहे तो उसका कहीं रोल मिला ही नहीं क्या आपको ये मानते हो कि आप जो लॉरेंस ग्रुप उसको प्रोटेक्ट करते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं तो नहीं जी मेरे को तो नाम ही आया काला कालाजीडी का नाम आया इनके सबके लोगों के नाम आए नहीं जी ऐसा कुछ नहीं मानते जी या भगवान भगवान बस पुराने भी हो गए जी काफी दिनों से इस लाइन में रहे हैं सबसे संबंध अच्छे रहे हैं भाई बहुत बो, से आदमी बहुत हैं एक दिन से बीजेल में, में मेरी अच्छे संबंध अच्छी उठ बैठ अच्छी बोल चाल रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जी भाई बाहर वो क्राइम कर रहे हैं तो भाई उनसे मेरे संबंध है भाई ठीक है जो जहाँ जो कुछ कर रहे हैं वो उसका जीवन है तो लॉरेंस के साथ जेल में रहे हैं नहीं जी मैं मेरा और बाकी जितने बाकी हैं नहीं जी इस ग्रुप के जो लोग हैं क्योंकि अगर पुलिस आपके पास आ रही है आप कह रहे हैं कि कभी जुड़े रहे हैं तो अभी आ जाते हैं वो तो तब इसी ग्रुप के लोग जुड़े होंगे ना आपके साथ जैसे काला जठेड़ी है जहाँ जी मेरी तो जी मेरा व्यवहार ही सारा है सभी की इज्जत करने का तो मेरी जी सब इज्जत करते हैं मेरे को इतना तो पता है मैं सबकी इज्जत करता हूँ ना तो मेरी इज्जत करते हैं चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है चाहे को पक्ष का है चाहे विपक्ष का है भाई एक चीज मैंने सुनी है अच्छे की नहीं है एक ठोस बात की है ना दुश्मन भी तारीफ करता है तो जी ईसा व्यवहार ईसा स्वभाव तो मेरा भगवान ने बना रखा है माता पिता कभी इमोशनल हुए कि बेटा कौन कहां चले गए आप क्यों ये सारा माता हुँ? पिता शुरू में इमोशनल हुए थे जी हाँ पिताजी तो जी ये मान लो मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी 2015 में जी मेरे से उसी उस माता जी के एक्सपायर होने के बाद ही मेरे से अच्छी तरह बातचीत करिए नहीं तो वो मेरे से इन बातों से नाराज थे मेरे को चाहे मैं भाई दोस्ती के लिए सही कर रहा था या गलत कर रहा था वो मेरे को सही नहीं मानते थे लेकिन उन्होंने भी बाद में ये पता भी लगता है इंसान को हाँ भाई नदानी भी थी कुछ लेकिन भी तेरा लड़का इतना गलत नहीं है किसी बात में जो भी नदानी में कुछ हो गया उससे हो गया लेकिन वो गलत नहीं है तो अब अच्छे हैं जी मेरे साथ माता जी हैं जी वो शुरू में इमोशनल हुई थी शुरू वाला केस था जी उस टाइम पे जी मैंने सोच ही ऐसी बना ली थी जी अब भी जो दीपू भाई था उसके जैसे विचार थे भाई उसी हिसाब से रहना भाई कोई मेरे पास आ जाओ मैंने किसी का काम नाटना ही नहीं है मना ही नहीं करना है तो मैंने माता जी मेरे साथ पास मुलाकात पे आई शुरू वाले टाइम में जेल पे गया उन्होंने कही थी कि बेटा ये भाई किस प्रकार के कामों में पड़ गया तू कैसे टो में क्या करने लग गया तू तो उससे जो सही गलत का तो पता नहीं था उससे वैसी बात निकली थी कि माँ भई अपने लिए तो है ना अपने माँ बाप के लिए तो सभी जीते हैं भाई आपका लड़का भाई भगवान ने कुछ सब के लिए जीने के लिए बना रखा होगा तो आगे मेरी माँ हो और तो जी मेरे तो है ना नुह सोचियो भाई आपका लड़का तो सब खतर बना रखा है तो जी मेरी माँ ने पता नहीं मेरे पे क्यों विश्वास था भाई ठीक है भाई उस टाइम पर बाकी दोबारा मेरी माँ ने भी कुछ नहीं कही वो इंतज़ार ही करती रही है ठीक है बेटा जब तेरे ये काम खत्म हो जाए ना जब आ जाइए बस जीते तो मेरे को जाने का मौका मिला नहीं भाई साहब वो उस उनके जाने के बाद ही मेरे को मौका मिला है भैया मैं कर रहा हूँ कोशिश अपना ठीक करने की जब डेथ हुई आप जेल में थे हाँ जेल में था जी मैं दाग देने के लिए कस्टडी में लेकर आए थे मेरे को दुख हुआ इस बात का कि माँ आपको वेट करती, करती हाँ जी दुख हुआ जी बस यही दुख हुआ जी भाई उसकी तो क्या गलती थी भी एक माँ बाप की अपने बच्चों से सब की उम्मीदें होती हैं भे उनसे फालतू किसी की उम्मीदें नहीं होती होंगी मेरे ख्याल में ठीक है भैन उनके जीते जी मैं ऐसा कुछ नहीं करने पाया भाई जिससे वो खुश हों या उनकी आत्मा को कुछ अच्छा लगे या खुशी मिले वो चाहे मेरे को खुश रह के दिखाती हूँ या सबको खुश रह के दिखाती हूँ लेकिन मैं उनके जीते जी उनको कोई खुशी नहीं देने पाया और अब कोशिश कर रहा हूँ जी एक सुनता हूँ अपने दोस्त जो नहीं है धरती पे उनको भी यही सोचता हूँ अब हो सकता है कहीं से वो देखते हूँ उनसे भी यही बातें भी कर लेता हूँ एक आधी बार भाई ठीक है नीचे तुम्हारा भाई है भाई अपनी तरफ से यही कोशिश वो तुम्हारी नजरों में कहीं भी गिरने का काम नहीं करेगा भाई अपनी माँ भी तुम्हारे पास आ रही है ऊपर बाकी जिस दिन अपने जाएंगे पुरे हम भी आएंगे तुम्हारे पास कितने बच्चे आपके बच्चे नहीं है जी अभी मैरिज आपने बाद में जेल से बाहर आके करवाई हाँ जी मैरिज जी मेरी माता जी है जी मेरे लिए पसंद करके गई थी जी बस सब भगवान की कृपा है जी बस यो घर का ताला ना होना था और माता जी एक्सपायर हुई और मिसिज को जी वो मेरे लिए पसंद करके गई थी जी और जी मिसिज हैं भाई इन जैसे हालात थे इनमें जी उन्होंने मेरे परिवार का साथ दिया मेरे पिताजी भी बीमार रहा करते भाई मैं तो काफ़ी दिनों के बाद सुलझ जाऊं जेड़ से नहीं मान के भाई मेरे पिताजी को भी उन्होंने ये सारी चीज और घर को कर रही हैं जी हैंडल जैसे भी हो रहा है और मेरे से उम्मीद कर रही है कि भाई ठीक है समय कभी तो ठीक आएगा अगर ठीक रहेंगे तो आपने कहा कि सब लोग आते हैं आपके पास मदद के लिए और आपने सबकी मदद की है हाँ जी पोलिटिकल लोग भी आते हैं सब आते हैं जी

मैंने वो करे हैं जी वो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कुछ क्राइम करने की बोल हो मेरे को या कुछ गलत करवाया हो ठीक है भाई इलेक्शन में मदद की जरूरत पड़ती है कहीं भाई और कहीं कुछ ज़रूरत पड़ती है ये लगता है भाई राजेश के लिए ये छोटी बात है कोई बड़ी बात भी नहीं है तो फिर वो बड़ी बात भी हो जी मैंने अपनी तरफ से किसी से कुछ काम मना नहीं कराया जी जो आज के नौजवान हैं वो लगातार हम देखते हैं कि जब कोई गैंगस्टर फेसबुक पर फोटो डालता है बहुत नॉन पॉलिटिकल यूथ है वो कहता है बहुत अच्छा कमाल कर दिया आपने आपने तो सब कुछ देखा है आपने नुकसान भी देखे हैं आपने सब कुछ जेल देखी है क्या कहना चाहते हैं उनको जो नए लड़के हैं जी तो यही तो कहना चाहता हूँ जी देखो एक उम्र होती है ये भाई बारह तेरह पंद्रह साल से लेकर बीस पच्चीस साल तक नहीं है इंसान को सही गलत की इतनी समझ नहीं होती जी ठीक है उस टाइम को कोई उस टाइम पे इंसान को बच्चे को कोई सही दिशा मिल जाए तो उसी तरफ चल पड़ेगा ये कुछ भाई सभी बोलते हैं अगर भाई ये दाना पानी लिखा था भगवान ने लिख रखा है भाई फिर किसी बात को ही मान लो वह दिशा मिल जाती है इस उम्र में है ना ज़्यादा समझ नहीं, नहीं पाता बच्चा और बाकी जी कुछ नदानी में होती है कुछ जी नशे पते का भी प्रभाव ऐसा देखा है मैंने जैसे हीरोइन को किन वगैरह ये चल रही है कि ये दिमाग की इंसान की बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर देती है जी इंसान नहीं है बाहर से भी ख़राब हो जाता है और अंदर से भी ख़राब हो जाता है जैसे फिल्में नहीं है वही संजय दत्त वगैरह देखे होंगे अग लगा के लाइन मारते हैं और ऐसे करते हैं और भाई ठीक है पिस्तौल उठा लेते हैं मार देते हैं किसी को भी तो नई जनरेशन पे जी इन बातों का असर पड़ता है ही ही। वो भी ऐसा कि आप हैं। आप उनको क्या कहना चाहते हैं आप आपने तो सब झेला है मैं तो जी यही कहना चाहता हूं भाई नशा तो नहीं है नशा तो इंसान की जीवन को खराब कर देता है वो तभी तक अच्छा लगता है जब तक इस शरीर में दो दाने हैं नहीं तो नहीं है वो इंसान को खुद ही परेशानी इतना कर देता है एक ना तो उसको छोड़ने के काबिल रहता वो ना उसको पकड़ने के काबिल रहता और जी यह लाइन ऐसी है जी अकेको आगे जी कह रहे सर पर का पानी उतरना तो जी वो सर पर का पानी उतरता हो तो जी मानस देख अपने बचाव के लिए हर प्रकार के हाथ मारता है तो उसको तैरना नहीं आता हो तो जी ऐसी सिचुएशन नहीं हो अब हर तरफ से कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा और जिंदगी भी वैसे भी खराब है और वैसे भी खराब है तू कुछ गलत करके ही कुछ रास्ता निकाल सकता है तो है अलग बात जी नहीं तो ये लाइन जी चुनने के लायक नहीं है ये कोई जीवन नहीं है टॉर्चर हुआ है आपके ऊपर वो तो है जी कैसे कैसे हुए हर प्रकार के हुए हैं जैसे बता सकते हैं आप जैसे जी जानते मारने देने आ जितने टॉर्चर होते होंगे मेरे ख्याल में हो सके वो हो मेरे साथ सारे जैसे मतलब अब बता सकते हैं कुछ जैसे जी टॉर्चर मेरे साथ इतने हुए हैं अब भाई एक मूसली फेरना होया अगर है अग भाई वह मूसली फेरना लाग गए तो मैं जब तक बेहूस नहीं होया हूँ ना तो वह मूसली फेरी है मेरे पे बेहूस होने के बाद मेरे को उठा के डाल दिया मेरे को भाई घंटे में दो घंटे में तीन घंटे में होश आया है तभी मेरे को ये पता लग गया गाँ भाई वो काम ख़त्म हो गया भाई पानी में डुबने का काम होता है वही मेरे साथ इतना हुआ है होया है अगर मैं बेहूँश होया हूँ ना तब तक मेरे साथ हुआ है। मैं बेहूँश होने के बाद भाई उठा के साइड में डाल दिया बाद में मेरे को होश आया जब पता लग गया गाँ भाई वो काम हो लिया या जी भाई अगर रस्से पर लटकाना होता है उसमें भी इतना ही हुआ है अब मैं जब तक बेहोश नहीं हो लिया हूँ ना इतने मेरे को लटकाया है बाद में साइड में डाल दिया है वहाँ भी तभी पता लग गया भाई ये काम हो लिया और जी लठ मारने का होता है लठ मारने का भी मेरे साथ इतना ही हुआ है अब जी दर्द होते होते नहीं है अब इन बेहूँश हो गया है इंसान आखिर में अब वो बेहूँश होने के बाद साइड में डाल दिया फिर बाद में पता लग गया हूँ सामने आने के बाद भी हो गया वो काम भी और भी टांग फाड़ने के काम होते हैं तरह तरह के घनीय बात होती है जी करंट भी, भी मैंने हर चीज नहीं है सोने तक सहन करके देख रखी है उससे ज्यादा तो जी पता करंट कभी करंट लगाते करंट भी लगाते हैं जी करंट भी लगाते हैं लेकिन वो करंट जी बेहूस सोने का मामला तो नहीं होता उसमें करंट में उसमें जी शरीर में बाकी कई दिक्कत परेशानी होती है बताते हैं जाग जागता भी रखते हैं बहुत कि पूरे रात सोने ना दो हाँ जी हर प्रकार का टॉर्चर करते हैं जी आपके शरीर पर असर हुआ इस बात ये, ये टॉर्चर का जी शरीर पर बचपन से जी एक्सरसाइज मेहनत करने का शौक था तो जी मैं चाहे बेशक मेरी टांग टूट रही हूँ चाहे मेरे हाथ टूट रहे हों मैंने कोशिश यह करी है कि भाई मेरा टूट रहा हो सारा शरीर मैंने मौका लगते ही एक्सरसाइज करने की कोशिश ज़रूर करी है तो जी आराम आराम से वो सेट हो गया है जी और कोई दिक्कत परेशानी होगी तो जी वो शरीर के अंदर होगी मेरे को पता नहीं जी कहते हैं ना जब पूरब की हवा चलती है तो जिसके ऊपर टॉर्चर हुआ था तो उसका शरीर दुखना शुरू हो जाता है आ, दुखने लग जाता है पूरब की हवा कहते हैं पूरब की हवा चलती है जब या फिर जी थोड़ा इन मान्या करू मैं भाई माता रानी का आशीर्वाद है तेरे साथ भाई वो ठीक है मेरे को नहीं महसूस होने देती कोई चीज ज्यादा क्या सोचा अभी राजेश सरकारी ये सोचता है कि कभी एम बनेगा मंत्री बनेगा हरियाणा का मैंने जी बहुत दुनिया से आकर बहुत सारे लोग बने हाँ जी बने हैं काफी बने हैं जी पता है मेरे सामने भी है लेकिन जी मैं ही सीधा कुछ ना सोचता जी बे अभी तो बस इतनी ही सोचता हूँ ये अपने जीवन को सवार ले ठीक है जैसे भी जितना भी समय लगे बाकी भाई मेरा साथ गाँव भी दे रहा है भाई मेरे जो जानने वाले हैं वो भी मेरा साथ दे रहे हैं मेरे जो भी मेरे को जानते हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं सब आगाम भी इसका जीवन सुधर रही कोशिश कर रहा है तो वो तो पता नहीं कितने दिनों में सबको जचेगी प्रशासन को भी सबको जच जाएगी जब सुधरा मानो जी लेकिन मैंने अपनी कोशिश इतनी कर रखी है अब भाई मैं अपनी आखिर तक इस चीज़ को रखूंगा और ये तो फिर परमात्मा की मर्जी है विश्वास भी होगा जी इस चीज़ का आप जितने बड़े क्रिमिनल रहे हैं आपने जितना क्राइम किया है कोई ये नहीं कहेगा कि अब नौ सौ चूहे खा के बिल्ली हद को चलिए सब कहेंगे जी ये तो कहने वाले तो जी सब देखो जितने मुंह होते हैं ना उतनी बातें होती हैं जी ठीक है लेकिन देखने वाला तो वो है ना ऊपर वो कहते हैं जी उसके बगैर तो पता भी नहीं हिलता और वो बच्चे थे तभी कह करते कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ कोई नहीं देख रहा हो फिर ऐसी जगह ही नहीं है जी कोई अगर जहाँ कोई नहीं देख रहा हो भगवान तो, तो हर जगह देख रहा है जी ठीक है अगर उसकी नज़रों में ठीक है भाई अपनी आत्मा में बंदा ठीक है और तो ठीक है जी गलत तो नहीं है अपनी खुद की आत्मा में इंसान गिर जाता है ना जी फिर उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता आपको जो आपने किया आपको लगता है वो सब सही है मतलब आपकी नज़र में वो सही है क्योंकि कानून की नज़र में वो कानून की नज़र में वो गलत था इसीलिए आप जेल गए मेरी नज़र की बात नहीं है जी समाज की नज़र में तो गलत है जी वो हो सकता है भाई मैंने तो सही सोच के ही किया है लेकिन भाई अब तो मेरे को ये पता है या कुछ चीज से भाई तूने किसी का गलत किया है वो जिसका गलत हुआ है भाई वो तेरे को सही थोड़ी मान सकते हैं उनके लिए तो तू गलत है भाई पूरी सही तो वही बात हो सकती है जिसको सब सही माने तो जी मेरी नज़र में वो सही हो सही तो गलत हो जी किसी के लिए वो गलत भी हो ये सो जैसे तो हरियाणा तो में पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं जैसे किसान आंदोलन हुआ हाँ जी आप किसान फैमिली से हैं हाँ जी हरियाणा में जाट आंदोलन भी हुआ हाँ जी तो आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं मतलब ऐसी चीज़ों में आपने इंटरेस्ट रखा है कभी किसान आंदोलन में आप आपने तो वो तो आपके सामने आप बाहर थे आप जेल से या आप इन चीज़ों में एक्टिविटी में नहीं भाग लेते जी देखो कोर्ट करते हैं मतलब ऐसा कुछ करते हैं जो समाज के लिए हो रहा था या कुछ इशू होते हैं समाज के देखो जी मैं जाट हूँ जाट आंदोलन भी हुआ है लेकिन उस टाइम पर मैं अंदर था मेरे को सुनने में यही मिला था जो वो झूठ थी या सच थी अब भाई जो भी ये आग लगी है या जो कुछ भी नहीं हुआ है ये सब जाटों ने नहीं किया ये एक बार वो हुआ उठ गया और फिर उस चीज़ का फायदा उठा के भाई पता नहीं किस तरह के कितने हैं सामाजिक तत्वों ने भाई किसी को चोरी करने का मौका लगा उन्होंने चोरी भी करी है कहीं आग लगाने का मौका मिला है वो आग भी लगाई है वो चाहे किसी ने भी कुछ भी कर लेकिन उस टाइम को बदनाम तो जाट ही हुए ने ने मॉरल सपोर्ट तो तो कर रहा हूँ कि आप नैतिक तौर पर आप प्रिंसिपली साथ थे जाट आंदोलन के की हाँ ये एक कम्युनिटी का आंदोलन है जी जो भी अपना समाज है उससे अलग तो कहा जा सकते हैं जी हम जैसे वैसे ही किसान आंदोलन हुआ जी किसान आंदोलन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी एक अलग दुनिया होती है क्राइम का वर्ल्ड अलग होता है उसमें बहुत कम क्राइम में ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक पोलिटिकल समझ होती है जिनको पता होता है कि समाज में ये इशू चल रहे हैं ये इशू कहीं लेके जाएंगे ये गैंग वॉर्स कहीं नहीं लेके जाएंगे हाँ जी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे किसान आंदोलन हुआ उसके बारे में आपकी क्या समझ है जी देखो इतनी समझ तो है नहीं है कि भाई

किसान आंदोलन की जो बात है भी मैंने जो भी बातें सुनने को मिली भी सरकार अपनी तरफ से जो कह रही थी भी सरकार भी ऐसे पॉइंट बता रही थी कोई इंसान उसको ध्यान से सुने तो भाई वो बातें भी सही ऐसी लगती थी जैसे ये किसानों के हित की हैं और किसान जो अपना कर रहे थे सारा काम भाई कोई बंदा उनकी सारी बातों को सुने तो उसमें भी कोई गलती नहीं निकाल सकता जी भाई वो भी सोका सो लगे अब हाँ भाई ये सभी ओरिजिनल बातें हैं तो भी इतनी समझ तो मेरे को है नहीं जी वो तो जी कोई बुद्धिजीवी होते होंगे जो हर बात को में तो मोदी जी ने खुद ही मान लिया ना कि हाँ ठीक है हम ठीक कर रहे हैं ये चीजें लेकिन जी इतना जरूर बेरा है अभी किसानों का जो भी साथ दिया है इसमें परमात्मा भी साथ दे रहा था जी उनका ठीक है नहीं तो जी आंदोलन और भी सुनी है मैंने भाई ऐसे नहीं चलते कोई ख्वाहिश बची है मेरी जी मेरी ख्वाहिश है जी क्या है भी मेरी सबसे पहली ख्वाहिश तो यह है भाई एक रास्ता बदल दिया मैंने अपनी सोच नहीं बदली भाई ठीक है मैंने भाई यो जीवन अपना घर छोड़ दिया था तो ये सोच के छोड़ दिया था मेरे सामने कोई भी आ जा तो मैंने हर बंदे के काम आना है वो सही है या गलत है लेकिन जिस जैसे मेरे समझ में आई है तो उस बात से मैं नहीं डग रहा जी ना मैं पूरा जीवन डगूं ना मैं अपनी किसी बात पर डग सकता जी जिस दिन मैं अपनी बात पर टडग गया और मन ने नु लाग गया तो उस दिन दो फिर जी तेजी अपनी नजरों में मरयावड़ लागन लाग, लाग जावा जी बाकी ठीक है जिस दिन समझ आई उस दिन के बाद जी गलत करने की तरफ से टाल कर दीजिए भाई सही करना है मेरे सामने नहीं है चाहे कोई भी आ जाए भई जो नहीं है उस बात को मैं सोचूं समझूं भीगा भाई अपने साथ जो चार भाई हैं जो भी मेरे से बड़े हैं छोटे हैं उनसे सलाह भी ले सकता हूं ठीक गलत के बारे में जो बात ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਖੁਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਰੋਏ ਹੈ ਕਭੀ ਆਪ ਮੈਂ ਜੀ ਰੋਣ ਰਣ ਦਾ ਦੋਨਾ ਦੇ ਰਾਜੀ ਕਭੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ ਹੋ ਜੀ ਮਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਜਬ ਥੋੜਾ ਹਨੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਰੋਉਂਗਾ ਫੇਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਭੀਤਰ ਦਾ ਚਾਲਿਆ ਜੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੇ ਅੱਗਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਲਿਆ ਦਾ एक भाई यहाँ काफ़ी आदमी होंगे रिश्तेदार दोस्त वगैरह होंगे तू रोने लग जाएगा तो भाई वो और दुखी होंगे ये सोच के भाई वो भी दुखी हो रहा है तो वहाँ से हाथ जोड़ के चले आता कि माता रानी मत देना मेरे को भाई कहीं मेरे को है ना कमज़ोर मत दिखाना बाकी मेरी माँ ठीक है धरती पर तो भाई छोड़ कर चली गई भाई मैं मा उसको माता रानी के रूप में है ना हर जगह देखता हूँ जी मेरे को नहीं मान ले किसी की बीमा मिलती है मेरे को सब की माँ में है ना जी अपनी ये माँ दिखाई देती है जी क्या कमजोरी है क्या जी रोना कमजोरी है हंसना ताकत है पता है नहीं जी इस चीज के बारे में दो भाई कमजोरी भी हर चीज कमजोरी भी हो सके है हर चीज ताकत भी हो सके है जी क्या बंदा जब क्राइम की दुनिया में रहता है वो इतना हार्ड वो हो जाता है कि उसको रोना हंसना तो दोनों में उसके साथ साथ है। ऐसे भी होता है कि आपका स्वभाव ऐसे तो जी से भाई माँ जैसे माँ थी मेरी भाई माँ बंदे के लिए ऐसी होती है कहते हैं कि भाई संसार में माँ से बड़ा कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं होता, होता बिल्कुल मेरे दोस्त भी जी मेरी माँ जैसे थे कई तो जी मेरे दोस्त जा लिए ठीक है मेरी माँ जा ली जी सिचुएशन से थी थी भाई अब मैं आपके सामने रोने लग जाऊं रो के दिखाने लग जाऊं

रोने वाला तो मुझे लगता है आपको रोना चाहिए आपको कभी इश्क प्यार इश्क हुआ कभी जब में जवानी हो रहे हैं जी। अभी तो शादी शादी होगी मैंने कहा शादी से पहले कोई इश्क हुआ ना जी अच्छा मैं जी ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है ना रोना इश्क होना प्यार होना चीजें जी मेरी दोस्ती मेरी दोस्ती है मेरा प्यार भी इश्क भी मोहब्बत वो कहते हैं बॉडी बैलेंस तब होती है जब इमोशन बैलेंस होते हैं तो इमोशन भी बंदे के बैलेंस हैं इमोशन भी दोस्तों के साथ ही है जी जी वैसा भाई लड़के लड़की वाला जो प्यार होता है वो तो नहीं हुआ वो मेरा जी हुआ है मेरी पत्नी से हुआ है जी भाई वो भी मेरे को इस लायक समझती है और भाई वो मेरे को इस लायक समझे तो जी मेरे को और कुछ सोचने की ना जरूरत है ना कहीं मेरे को इश्क पत्नी में। सी होता है ये कहा जा सकता है, क्या जी? जाटो पत्नी सी होता है। हाँ जी ये कह लो जी <laughs> राजेश से रजेश सरकारी आप कैसे बने जी राजेश से राजेश सरकारी जी मैं जी शुरू में तक आया जी जो तो मेरा दोस्त था जी दीपू उसके साथ रहने लग गया जी वो पंगेबाजी रखता था तो उसके साथ ही मैं भी पंगेबाजियों में रहने लग गया तो जी घरवाले थोड़े अपने शरीफ थे उन्होंने भाई मेरे तो दादा ने पिताजी ने काका ताऊ ने किसी ने भाई थाने चौकी का मुंह भी नहीं देखा किसी था के थप्पड़ भी नहीं मारा था किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा था जी ठीक है तो वो जी मेरा उस दी पुगे भाई के साथ साथ था वो थोड़े झगड़ेबाजी हो हो जाते थे उस टाइम पर और बड़ी तो कोई बात ऐसी नहीं होती थी तो उसी से परेशान हो गए जी मेरे को मेरे पिताजी ने बेदखल करवा दिया था जी वो चाहे मेरे को डराने के लिए करो दिखाया हो भैया कुछ समझ जाए इसे वो मेरे को कागज़ रखा मिल गया जी कहीं वो मैंने अपनी जेब में डाल लिया वो जेब में डाले डाले जी मैं शाम को अपने दोस्तों के पास चले गया जी वहाँ दीपू भाई ने जी वो कागज़ निकाल के देख लिया वो वो कागज़ पट गया जी उसके मुंह से वैसे ही निकल गया भाई तू तो पूरा सरकारी हो गया अब वो जी शुरू शुरू में तो मेरे को अजीब लगती थी अच्छी नहीं लगती थी भाई ये नाम भी मैं उससे भी झगड़ा एक दो बार वो झगड़ गए उसको ऐसा लगता था कि भाई इस बात से चिढ़ रहा है तो वो मेरे को कहीं भी मौका देख के मेरे स्वाद लेने के लिए मेरे को वहीं बोल देता था कि ये चिड़ेगा और लड़ेगा तेरे साथ वो जी आराम आराम से आगे पीछे से और कहने लग गए फिर जी वो दीपू भाई एक्सपायर हो गया उसके एक्सपायर होने के बाद जी मेरे को भी बाद में ही पता लग गया कि भाई तेरे को शहर में नहीं है भाई राजेश नाम से कम जानते हैं सरकारी नाम से ज़्यादा जान रहे हैं फिर जी मैंने किसी को टोकना ही बंद कर दिया ठीक है ये नाम उस भाई का दिया हुआ है ठीक है वो भाई जब तक आप आज हमारे साथ रहेगा इस नाम की वजह से मेरे को कोई परेशानी नहीं, नहीं है जी ठीक है उस भाई का दिया हुआ नाम है जी ये है मेरे लिए अच्छी बात है थैंक यू बहुत अच्छा बात हुई आपसे बहुत धन्यवाद तो ये थे हरजेश सरकारी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया कि कैसे वो क्रिमिनल वर्ल्ड से बाहर आए और आजकल वो समाज सेवा में जहाँ बहुत सारे राजनीतिक कामों में लगे हुए हैं